फाइंडर्स, सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है कि हम भारतीयों के लहू और लाशों पर कायम रहा था ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों ने यदि हम पर 200 साल लगातार राज किया है तो सिर्फ राज किया है बंदूक की नोक पर। फिर चाहे हम बात कर लें 1757 में हुए प्लासी के युद्ध की, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हम भारतीयों की लाशें बिछाकर कलकत्ता को जीत लिया था, या फिर हम बात कर लें 1857 में हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की। यहाँ पर झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फाइंडर्स, अंत में जीत तो अंग्रेजों की ही हुई थी, और जहाँ ऐसा माना जाता है कि 1857 के युद्ध में अंग्रेजों ने 1,00,000 से अधिक लोगों को, हम भारतीय लोगों को मारा था, कत्लेआम मचा दिया था। कुल मिलाकर जब कभी भी अंग्रेजों को हम भारतीयों से प्रॉब्लम होती थी तो वो हमें मारने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। फाइंडर्स, अंग्रेज कितने निर्दयी थे आप इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जब जहां एक तरफ महात्मा गांधी और कांग्रेस की अगुवाई में हम भारतीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लोग जलियांवाला बाग जैसे कांडों को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। वे बड़े ही आसानी से बंदूक की गोलियों से भारतीयों को भूंज देते थे। उन निहत्ते और बेगुनाह लोगों को अंग्रेजों ने बंदूक की गोलियों से कैसे मारा था, फाइंडर्स, यह तो आपको पता ही होगा। लेकिन अंग्रेजों के यह कृत्य यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अंग्रेजों ने अनेकों भारतीयों की जान ली थी। और अंत में जब 1947 में अंग्रेज हमारा भारत देश छोड़ने लगे, तो इस समय भी जब हमारा देश दो भागों में विभाजित हो रहा था, तो यहां पर भी लाखों लोगों की जान गई थी, और इसके जिम्मेदार भी फाइंडर्स कहीं ना कहीं अंग्रेज ही थे। जिस दौर में भारतीय युवाओं को शिक्षा और विकास के नए आयामों को चुना था, उस दौर में हमारे भारत देश के युवा आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अपना बलिदान दे रहे थे। फाइंडर्स, भारत देश की कई पीढ़ियां अपने जीवन के पूरे दिन तक नहीं जी पाईं, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। फिलहाल यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फाइंडर्स, अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजों का भारत आना कई मायनों में फायदेमंद था। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज ही तो थे जिन्होंने हमें लोकतंत्र दिया है, वरना हम लोग तो बेवकूफ थे। और कुछ लोग का ऐसा सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजों ने ही हमें आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा से अवगत कराया है। फाइंडर्स, आने वाले अगले वीडियोज में मैं उन लोगों की यह गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। चलिए फाइंडर्स, अब मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।